जैसे मैं अभी से आगे से बैठा था ना, ये मज़े से बैठी थी, तो मैं आप पीछे से आराम से बैठे रहूँगा, ये चलाएगी। बस मैं इसको बताऊँगा कि कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है करके। तो अभी तक तो उतना तो इसने सीखा नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत बैलेंस इसका बन जाता है, पर कहीं कहीं पर इसका ना बैलेंस पता नहीं क्या हो जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक नई वीडियो में। एक्चुअली गाइस, आज यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि जो दीपावली का आने वाली दीपावली, तो उसकी वजह से थोड़ी सा लाइट की कटौती रह रही है। क्या पता अभी आ जाए 10 मिनट 5 मिनट में, 1 घंटे से वैसे लाइट नहीं है अभी यहाँ पर। तो एक मैंने कहा था सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, जल्दी एक चीज़ आने वाली है मेरे हाथ में। सो वो चीज़ आ गई थी, मतलब मेरे गाँव में थी और मैं एक्चुअली यहाँ पर था तो मेरे पास नहीं थी। वो ये है, देख लीजिए, भारतीय गणराज्य इंडियन पासपोर्ट। तो मेरे हाथ पे पासपोर्ट है, मैं इसको बनाने के लिए एक दिन गया था अल्मोड़ा, मेरी सिस्टर आई थी, तो मैंने कहा था कि आपके लिए जल्दी से एक सरप्राइज जो है वो आने वाला है, तो वो यही है। खुशी हो रही है, मैं अपने पूरे 3 पीढ़ी से पहला लड़का हूँ जिसके पास पासपोर्ट है, नहीं तो मेरी फैमिली में किसी के पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, मेरे पास वो भारत के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, और जो उत्तराखंड के होंगे वो भी तो मेरे पास फुल प्लस हैं। तो आप समझ सकते हैं, कुछ भी चीज़ होती है तो मुझे उसको बनाने की एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस चीज़ को कितनी जल्दी बनाऊँ, मेरे हाथ पर कितनी जल्दी हो। पासपोर्ट के लिए मैं 2018 से सोच रहा था, पर मैंने अप्लाई भी किया था 2018 में, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी उस समय मेरे घर में और मेरे गांव में कोई नहीं था। मैं हल्द्वानी गया था और घर वाले, असोज का महीना होता है हमारे पहाड़ में, मतलब अगस्त और सितंबर का महीना होता है, तो उस महीने में मैंने अप्लाई किया था। तो उस समय मेरे पापा लोग घास काटने के लिए जंगल गए थे, मतलब हमारे वहाँ जो खेत होते हैं ना, उन खेतों में घास आस जो भी होता उनको काटने के लिए, तो वो 10 मिनट 15 मिनट रुके होंगे, तो उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मना कर दिया था। तो फिर मेरे को उस समय उतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को क्या करना है। फिर मेरे को बाद में किसी ने बताया कि तूने गलती कर दी थी, तुझे बाय चांस यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, आपके देहरादून RPO में, RPO ऑफिस में जाता तो दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो आते, तो मुझे इसके लिए पता नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा कभी फिर अप्लाई नहीं किया, इस बार मैंने सब कुछ पता करने के बाद ही अप्लाई किया था। तो मेरे पास आ गया है पासपोर्ट, जल्दी किसी देश के लिए देखेंगे, जाएंगे तो आप लोगों को बता देंगे वीडियो। मेन चीज़ होता है किसी देश में जाने के लिए वीज़ा चाहिए, वीज़ा के लिए पता है आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते, वो वीज़ा तभी अप्लाई होता है, तो इसलिए एक फ़ोटो को और सारे डॉक्यूमेंट। सो गाइस, आज मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हल्द्वानी के लिए, मैं एक स्वेटर लेके आया था हल्द्वानी से, तो वो थोड़ी सा छोटी हो गई, उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे और काम भी है हमारे, जैसे मैंने अपना टायर लेना है, उस दिन नहीं ले पाया, महंगा बोल रहा था, तो मैंने कहा दीपावली के सीज़न में लूँगा, तो वो टायर भी लेके आएंगे और रास्ते में आपको मिलेंगे मोटो ब्लॉगिंग में। अभी घर से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 9:40, आप देख सकते हैं जैसे ये। सो गाइस, यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी। गाइस पहुँच तो हम गर्म पानी चुके हैं, और जो गर्म पानी में पानी आता था ना गर्म, वो यहाँ पर आता था, एल्टो लगी है, यहाँ पर आता था, आदमी खड़ा है ना वहाँ पर गर्म पानी आता था, मतलब कभी कहते हैं। अब यहाँ से जाम देखने को मिल सकता है, और आज तो ग्लव्स भी नहीं पहने हैं मैंने, हाथ भी पूरे काले हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे पर रोड बन रही ना, वो पूरी नीचे धस गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर रोड बन रही है, तो तब यहाँ पर बन रही है। मैंने कहा नहीं, यहीं पर जाम लगता है, और फिर इसके बाद से कैची धाम मंदिर में, नीम करौली महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पर जाम लगता है। दूसरी चीज़, ये भी मेरा टूट गया, ये भी विनोद से कह रखा है, मंगवा रखा है, आज तो फ़ोन करके बोलूँगा उससे हल्द्वानी पहुँच के, अभी तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना चाहिए मुझे। तो आ चुके हैं हम दोनों, बहुत जाम था, इतना सोचा नहीं था कि इतना जाम लगेगा करके, पर बहुत यार, जगह जगह पर जाम मिल रहा है, कहीं पर
डामर हो रहा है नई सड़क में तो वहाँ पर जाम, कहीं पर रोड बन रही है तो वहाँ पर जाम, मतलब बहुत जाम था। और कंटिन्यू चले हैं हम, 12:44 यहाँ पर हो चुके हैं, तो ठीक ही टाइम हुआ। 10:04 में निकले थे हम लोग घर से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगा। अगर सिंगल होता तो मैं और तेज़ चलाता, क्योंकि बहन मेरे पीछे से थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं चलाई, ठीक भी नहीं रहता ना डबल में। सिंगल में तो ऐसा होता है ना कि आदमी के ब्रेक लग जाते हैं, और डबल में उसको सोच समझ के अपने गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो इसी वजह से। सो मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि स्वेटर तो चेंज नहीं हो पाई। सो मेन चीज़ ज़रूरी थी, उसका जो टैग था ना, वो टैग निकल गया था, और वो टैग भी पता है कहाँ पर निकला, जहाँ पर दुकानदार होता वहीं पर, आउटसाइडर या कहीं और जगह निकला होता तो डेफिनेटली मैं उसको ठीक करके सही करके दे देता, पर वो दुकानदार के सामने ही टैग निकला, फिर कहाँ चेंज होता, तो बहुत मुश्किल थी उसका चेंज होना। दुकानदार के सामने ही टैग चेंज हुआ, मैंने रिक्वेस्ट तो की उससे, पर नहीं, पैसे पड़ गए सिर में, खाली मुश्किल से यार, हल्द्वानी खा लिया है बस, खाना तो खा लिया है सलेड़ी पे। अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, हट चल बैठ। और टाइम तो आपका हो चुका है 2:52, बैठ गए तो 5 बजे तक तो हम पहुँचेंगे मैक्सिमम, क्योंकि वही टाइम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तुझे चलाना है क्या? हाँ, तो ज़्यादा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। क्या करना है तुझे, चलाना है? नहीं मारूंगा, बताऊंगा, ले कहाँ से, अपने आप ही चलाती है बहन, मैं पीछे से बैठ जाता हूँ। ला ब्रेक दबाना पीछे वाला, तो ये अपने आप ही चलाती है, मैं पकड़े रखूँगा। चल उठा, आराम आराम से, हाँ आराम आराम से, कम कर, हल्का कम कर, चल। तो गाइस ये चलाएगी, मैं बैठे रहता हूँ, मिलते हैं आपको। जैसे मैं अभी से आगे से बैठा था ना, ये मज़े से बैठी थी, तो मैं आप पीछे से आराम से बैठे रहूँगा, ये चलाएगी। बस मैं इसको बताऊँगा कि कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है करके। तो अभी तक तो उतना तो इसने सीखा नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत बैलेंस इसका बन जाता है, पर कहीं कहीं पर इसका ना बैलेंस पता नहीं क्या हो जाता है उस समय मेरे को लगता है बहुत आता है। आने को तो ये ठीक लेके आई, पर 50 जगह इसको बताने पड़ते हैं कि यहाँ पर ऐसा कर, यहाँ पर वैसा कर करके, तब इसका हो पाता है। वरना तो कई जगह हम गधेरे में ही मिलते, ऐसा था इसका। इस कंटिन्यू सिखाना पड़ता है इसको, तब जाके हाथ साफ होगा इसका। अभी 3 महीने के बाद सीख रही है, चलो थोड़ी बहुत ठीक है पहले के मुकाबले। हमें तो किसी ने नहीं सिखाई थी, मैं तो खुद सीखा था। छोड़ ब्रेक छोड़। रानीखेत मार्केट तो हम पूरी तरह से आ गए हैं, और जो टायर का था ना, वो हमने पूछा तो सही हल्द्वानी में, पर सब जगह अलग अलग रेट थे, मतलब किसी के वहाँ 1600 किसी के वहाँ 1700, किसी के वहाँ 1800। इससे अच्छा मैं क्या काशीपुर से ले लूँगा, और भी बढ़िया है मेरे लिए, तो वहाँ तो और भी बढ़िया मिल जाएगा। घर पहुँचे हुए हमें, 5 मिनट हो गए हैं, बहुत ठंडा हो रहा था रास्ते में, और मेरी GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है वो 4 आवर्स होती है, और 4K वीडियो में तो वो ज़्यादा नहीं चलती है, तो इसी वजह से मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती, चाहे तुम उसको चलाओ या ना चलाओ,
उसने उतना ही लेना है, वो 4 घंटे में ही ख़त्म हो जाती। तो अच्छे से हम घर पहुंच गए थे। अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ वो मोबाइल से बना रहा हूँ। अच्छे से सही से घर पहुँचे, बहुत ज़्यादा थकान है, आँखों में भी मतलब धूल इतनी गई है ना, चश्मा पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा धूल जा रही है। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।